जी ऑल राइट, निकलेंगे नेक्स्ट साइड की तरफ। दिन काफी ही अच्छे यहाँ पे दिन होते हैं, इतना तेज सूरज वैंकूवर में नहीं मिलता जितना तेज सूरज यहाँ पे होता है। और माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत दिन है और यहाँ पे थोड़ा समर का भी टच मिल जाता है। अभी 20+ है वैंकूवर में, 20 डिग्री से ऊपर तक अभी टेम्परेचर नहीं था गया, यहाँ पे 30 भी जाता समर में। और अब निकलते हैं नेक्स्ट साइड के लिए, तो फिर इंशाल्लाह आगे जब के आपसे मुलाकात करते हैं फिर होती है मुलाकात। तो केलोना की साइड का विजिट हुआ ख़त्म, नेक्स्ट मैं यहाँ से जाऊँगा पेंटिंगटन। पेंटिंगटन है यहाँ से 1 आवर एंड 15 मिनट्स की ड्राइव, तो आज कोशिश होगी कि आराम से ही जाएँ कोई, ताकि तब तसली और सेफली वहाँ पे पहुँचें। और देन फिर आपको पेंटिंगटन दिखाते हैं, वहाँ जाके फिर मुलाकात करते हैं। ओके जी, बाय बाय। जी तो मैं प्योरोलेटर की केलोना वाली साइड पे आ चुका हूँ। ये है प्योरोलेटर की केलोना वाली साइड, बिल्डिंग थोड़ी बेहतर लग रही है और हमारे वेंडर भी आ चुके हैं, उन्हें लेके चलते हैं बिल्डिंग में। और खूबसूरत सिटी है, साथ में ये वेंडर आ रहे हैं। तो बाकी सिटीज़ की तरह इंटीरियर बेसी की जो पेंटिंगटन है, ये भी देखें आप, सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल माउंटेन्स। लेकिन यहाँ की एक और बड़ी ब्यूटी ओकानागन लेक है। रास्ते में रुक रुक के अब मैं आपको दिखाता जाऊंगा ओकानागन लेक, और देन सिटी भी थोड़ा घुमाएंगे। और जी ये वो सिटी था पेंटिंगटन जहाँ से मैं होके आया हूँ, ये आप देखें लेक के ऊपर उस माउंटेन पे उस सिटी का नाम लिखा हुआ है पेंटिंगटन। और ये सिटी इस तरफ है सारा, ये आप देख सकते हैं सिटी। लेक की दूसरी तरफ आपको जितने भी घर वगैरह नज़र आ रही हैं और बिल्डिंग्स, वो सारी पेंटिंगटन की हैं। और बहुत ही प्यारा सिटी था वो भी, और जहाँ जिनके घर होंगे इस लेक के बैकयार्ड्स में, क्या ही अलग घर लोकेशंस रहते होंगे उनके भी। चेक करें आप, माशाल्लाह खूबसूरत पेंटिंगटन सिटी। यस, माशाल्लाह कितनी ही प्यारी लेक है ये, माशाल्लाह। एक तरफ हाईवे और दूसरी तरफ ये प्यारी सी लेक, और लेक हाईवे के दूसरी तरफ प्यारे से पहाड़, दरमियान से गुजरती हुई हाईवे। क्या ही आला ड्राइव थी ये, मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा बिल्कुल, उसके बाद सीधा पानी है। चेक करें कितना साफ और शफाफ पानी है, साफ साफ शफाफ सा पानी, क्लियर नजर भी आ रहा होगा। और दूसरी तरफ सिटी, विलेजेस, लोगों के घर भी हैं, फार्म्स भी हैं, और इनके घरों के एक तरफ गुजरती हुई ये प्यारी सी लेक और दूसरी तरफ पहाड़ और जंगल। क्या ही आला लाइफस्टाइल है, अपनी वेकेशंस के लिए बल्कि फ्री टाइम के लिए, जॉब नहीं करते तो यहाँ पे आके एक फार्म बना लो और लाइफ गुजारो, सब्जियाँ उगाओ, वही खाओ, जानवर रखो, उन्हीं को खाओ, उन्हीं का दूध पियो और लाइफ गुजारो। आई थिंक ये रिजॉर्ट है इधर, क्या प्यारा व्यू है इस लेक का। इधर अभी नीचे नहीं जाएंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे जाके किसी पॉइंट पे पानी को भी चेक करेंगे। हाईवे पे जगह जगह इन्होंने पार्क्स बनाए हैं, जगह जगह मतलब कि कुछ ही देर बाद कोई ना कोई छोटा सा पार्क आ जाता है जहाँ पे आप बैठें, स्टे करें और प्यारे प्यारे नज़ारे लें इस लेक के। तो पहले तो मैं रुका था, वो तो साइड की एक पार्किंग थी, लेकिन ये छोटा सा एक पार्क भी है। मतलब किसी ने स्विम करना है, अपनी बोट को लेके जाना है, वो इस पार्क से अपनी बोट को इस लेक में उतार भी सकता है, और स्विम करना जाता है तो सीधा इधर से उतरे और स्विम भी कर ले। ये देख सकें यहाँ पे, इस जितनी भी वाटर एक्टिविटीज़ करनी है आप कर सकते हो,
इन पार्क से। तो ये एक नहायत ही अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए गए हैं, आपके टैक्स को प्रॉपरली यूज़ किया जाता है और हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। तो आप अपनी बोट को यहाँ से उतारें, खुद जाएं सीधा स्विम करें, इधर बैठना है तो बैठ जाएं आराम से, कैंप लगाना है अपना कैंप लगा लें, क्योंकि ये इधर आप देख सकते हैं कि रेस्ट रूम्स भी हैं, वॉशरूम्स भी इन्होंने दिए हुए हैं जिधर जिधर ये पॉइंट इन्होंने बनाए हैं। तो एक अच्छी जगह, पानी में तो हम नहीं उतरेंगे लेकिन पानी को टेस्ट करेंगे कि कैसा है, देखते हैं पानी को टेस्ट करके। क्या क्या ही मज़े का पानी है, कितना साफ सुथरा। स्टॉप्स आते हैं रास्ते में तो आप देख सकते हैं कि फैसिलिटीज बहुत हैं, ये वॉशरूम रेस्ट रूम आपको मिल जाएंगे साइड पॉइंट्स पे, तो आप अपना रुकें स्टे करें रिलैक्स करें वॉशरूम यूज करें अच्छे अच्छे नज़ारे लें। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा ही अच्छे स्टेप्स होते हैं, आपके टैक्स को प्रॉपरली यूज किया जाता है। मैंने सोचा था कि मैं अब रास्ते में एक ही जगह रुकूंगा जहाँ पे मैंने फिश एंड चिप्स की एक जगह सेलेक्ट की है वहाँ पे जाके, लेकिन रास्ते में इतने अच्छे अच्छे स्पॉट मुझे हर 1000 मीटर्स के बाद मिल जाते हैं, एक आधे किलोमीटर के बाद, कि रुकना ज़रूरी और मजबूरी बन जाता है। ये बीच चेक करें, क्या ही प्यारा बीच है उस हाईवे पे ही, एक साइड पे मैं रुक रहा हूँ, कितना ही प्यारा बीच है, लोग बैठे इंजॉय भी कर रहे हैं इस बीच पे, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा बीच है ये, चेक करें ये नज़ारा, चेक करें फैमिलीज। और ये आप इस साइड से चेक करें कि जब मैं ड्राइव करता आ रहा हूँ इस हाईवे से, तो एक साइड पे ये जो मैं लेक आपको दिखा रहा था और दूसरी साइड पे पहाड़, और वो अब कटे हुए पहाड़ हैं, इन्हें तराश के काट के रोड निकाली गई है, हाईवे निकाली गई है, तो कितने ही ब्यूटीफुल पहाड़ लगते हैं वो भी आते हुए, और दूसरी साइड पे ये प्यारी सी लेक, और ये तो पूरा बीच पॉइंट ही है, इधर तो रुकना बनता है स्टे करना बनता है इधर, बाकी कहीं बंदा रुके ना रुके यहाँ पे तो बनता है, चेक करें। ये जो लास्ट में पार्क में रुका हूँ उससे जस्ट 1000 किलोमीटर ही मैं आ गया हूँ, तो मुझे ये जगह मिल गई है 1 से 1.5 किलोमीटर। वाह क्या खूबसूरत पहाड़, हो 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 हो, क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत, चेक करें ये, आप निकलते हो एक्सप्लोर करते हो रास्ते में रुकते हो तो ऐसे हसीन नज़ारे आपको देखने में मिलते हैं, चेक करें आप ये नज़ारा, चेक करें। इधर से मैं आया एंटर किया हाईवे से, और इस साइड के जो मुझे पहाड़ और साथ में ये लेक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लोग बोट्स लेके भी अंदर गए हैं वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, बहुत ही आला जगह है, चेक करें। वाह वाह फैबुलस, ये चेक करें आप, ये चेक करें, मैंने कहा हाईवे पे ही आपको थोड़ी सी रिस्क लेके वीडियो बना के दिखा देते हैं, एक साइड पे लेक और एक साइड पे खूबसूरत से पहाड़, क्या ही आला नज़ारा है, वाह कितनी ही प्यारी ड्राइव है ये, चेक करें आप। तो जी बीच लैंड में मैं पहुंच चुका हूं, बीच लैंड उसी हाईवे पे ही है जिधर हाईवे पे आप पिछली वीडियोस देख रहे थे, और ये देखें शिपयार्ड भी है ये तो, और यहाँ पे मैं आया हूँ फिश एंड चिप्स मैंने चेक किए सबसे मज़े के, इधर नज़र आ रहे थे और स्पॉट भी है बड़ा अच्छा है आपके बिल्कुल ही क्या कहते हैं लेक के साइड पे,
तो आपको थोड़ा सा ये एरिया भी घुमाते हैं और देन फिश एंड चिप्स टेस्ट करके भी बताते हैं। तो क्या ही यार, बहुत ही आला किस्म की मैंने अभी ड्राइव की है, जो आधे घंटे की ड्राइव की थी पटिंगटन से इधर आते हुए, बहुत ही प्यारी, क्या ही आला किस्म की ड्राइव थी, वाह। तो चलते हैं आगे, चेक करते हैं फिश एंड चिप्स यहाँ के। तो जी ये है फिश एंड चिप्स जो मैंने सर्च किया था, और ये देखें ये है किस जगह पे, ये चेक करें इस ब्यूटीफुल जगह पे। तो फिश एंड चिप्स लेते हैं और बैठ के एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं खाने के लिए, देन मुलाकात करते हैं। और जी ये है जी फिश, एक सैल्मन कॉड और साथ में एक्स्ट्रा ली है हेलीबर्ड। हेलीबर्ड खुश्क फिश है, इसका थोड़ा बहुत टेस्ट आता है ड्राई फिश लाइक चिकन को टच करता हुआ, लेकिन ये प्योर फिश का टेस्ट देती है कॉड। सो दोनों को टेस्ट करेंगे, साथ में आइसक्रीम ड्रिंक और क्या नज़ारा है। फिश एंड चिप्स खाने के लिए इससे बेहतरीन और जगह नहीं मिल सकती। लोकेशन चेक करें आप, क्या खूबसूरत लोकेशन, वाह क्या ही बात है। और ये जनाब मार्केट थी सारी इस बीच पे, बीच एवेन्यू है ये एरिया का नाम, और सारे रेस्टोरेंट्स है, थोड़ी बहुत शॉपिंग की भी जगह है, और क्या ही प्यारे फ्लावर्स हैं, वाह। तो जी अब बारी आ गई फिश एंड चिप्स की, तो बताते हैं खा के। कॉड का पीस पहले, नेक्स्ट हेलीबर्ड फिश, वाओ हेलीबर्ड आपको चिकन का टेस्ट देता है, इसमें मुझे चिकन का टेस्ट मिल रहा है और इसमें कॉड में प्योर फिश का टेस्ट मिल रहा है मुझे, वाओ बहुत मज़े का, क्या ही नज़ारा। साथ में ये मुझे जहाँ पे भी पहाड़ों के ऊपर घर मिलते हैं और दूसरी साइड पे लेक नज़र आती है, वो मुझे बहुत ही एडमायर करते हैं, मतलब ऐसे घर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह हम भी कभी लेंगे, ये आप चेक करें, एक साइड पे पहाड़ ऊपर घर और दूसरी साइड पे लेक या ओशन कुछ भी, और मतलब बहुत ही आला, क्या आला व्यू है। तो जी अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वेस्ट कलोना, ये जितने भी घर हैं ये वेस्ट कलोना में हैं, और ये सेम ऐसे है जैसे वेस्ट वैंकूवर के घर हैं एक्सपेंसिव वाले, और वो भी इसी तरह पहाड़ के ऊपर है और नीचे आपको सिटी और दूसरा व्यू नज़र आता है। और इसका बेस्ट व्यू जो है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये घर हैं इनके जितने भी बैकयार्ड्स के अपना क्या कहते हैं मिरर्स हैं विंडोज़ हैं और मैकयार के जो भी क्या टेरेस हैं वो यहाँ पे ओपन होते हैं। ये चेक करें ब्यूटीफुल लेक, और हाईवे साथ से गुजर रही है, और ये साथ में घर है जिनका व्यू बहुत ही प्यारा मिलता है इन व्यूज, और इन घर की बैक साइड पे देखें तो ये सब वॉल्स की जगह पूरे पूरे शीशे होते हैं, पूरे पूरे विंडोज शीशों की विंडोज होती हैं, चेक करें। तो मैंने अभी गाड़ी पार्क की इसी चार्जिंग के लिए, तो 30 मिनट से मैंने कहा चलो वॉक करके मुझे एक पॉइंट नज़र आ रहा है उधर तक जाता हूँ। तो ये आप चेक करें, ये केलोना सिटी है और ये वेस्ट केलोना है, और कितना खूबसूरत एरिया है, यहाँ के घर इतने ही प्यारी जगह पे हैं, और लेक साइड व्यू भी है साथ में बहुत ही ज़्यादा, और ग्रीनरी तो कनाडा में हर जगह आपको ऐसे मिलेगी, खासकर ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ही इन्वायरमेंट क्लीन और साफ होता है माशाल्लाह। तो उधर से ही मैं वॉक करता करता आगे आया हूँ, तकरीबन 15 मिनट की मज़ीद मैंने वॉक की और रास्ता निकाला, खुद से रास्ता बनाया, मतलब पाथवे कुछ खास नहीं था मैंने बनाया, एक पॉइंट
व्यू पॉइंट मैंने देखना चाह रहा था किसी पॉइंट से, तो वो मुझे यहाँ पे मिला है। अब आपको दिखाता हूँ कि ये केलोना का डाउनटाउन है, ये सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये केलोना का डाउनटाउन है, मेन केलोना का। और वहाँ पे आपको शिपयार्ड भी नज़र आ रहा है, बोट्स वगैरह। तो क्या है ये जो एरिया, ये वाटर फ्रंट का एरिया है। और सामने जो पार्क है, ये ट्रीज नज़र आ रहे हैं, ये पार्क है। इस पार्क में जाएं तो आप ये सारी लेक के साथ साथ ट्रैक बना है, वो साइकिलिंग करें, वॉक करें, जो मर्ज़ी करें। और ये आप देख सकते हैं पूरा केलोना के डाउनटाउन का व्यू। और अगर आप इस साइड पे देखें थोड़ा, ये मैं अभी वेस्ट केलोना में हूँ, तो वेस्ट केलोना और मेन जो केलोना है उसको ये ब्रिज आपस में मिलाता है। ये ब्रिज है जो कि इस लेक को क्रॉस कर रहा है, और इस लेक ब्रिज के ज़रिए हम मेन केलोना में एंटर हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अच्छा, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, हाँ इधर से आइडिया देना मुश्किल है, कि ये जो फिंगर का पॉइंट चेक करें, इस जगह पे मेरा स्टे है जहाँ पे हैम्पटन इन होटल है। ये दरअसल यूबीसी का एरिया जो कि यूनिवर्सिटी है, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया की, बल्कि कनाडा की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, उसकी एक कैंपस यहाँ पे भी है, और वो कैंपस केलोना का इधर है। बाकी मेन जो कैंपस है वो उसका वैंकूवर में है, वो भी कभी आपको दिखाएंगे। तो ये सारा नज़ारा पूरे सिटी का, केलोना का, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये व्यू पॉइंट एक तरह से मैं समझो कि मैंने शायद डिस्कवर कर दिया है, क्योंकि ये देख सकते हैं एरिया बंद है, और मैं वॉक करता आया हूँ यहाँ बैक साइड से। खतरा कोई नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है आते हुए यहाँ पे, कोई रेप्टाइल्स वगैरह तो होते नहीं है, सांप वगैरह इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है, यहाँ पे बियर हो सकते हैं, एल्क हो सकती हैं, डेयर्स हो सकती हैं, तो इशू नहीं है। मतलब इधर कहाँ पे बियर आएगा लेकिन आ भी सकता है, कोई पता कोई नहीं। लेकिन आप ये ब्यूटीफुल व्यू इंजॉय करें, आपके लिए, बस आपके लिए यहाँ तक पहुँच गए हैं हम, माशाल्लाह। देन भाई शुक्रिया बहुत बहुत आपके इनविटेशन का, डिनर बड़ा मजे का था। no problem, और ज़ियान, ज़ियान, लुक हियर, बाय बाय बाय, हाय। तो अच्छा, आपने बताया नहीं मैंगो कैसे थे यार? बेहतरीन थे, दिल खुश हो गया। खराब तो नहीं से हो रहे? बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। अच्छा, दिल खुश हो गया, दोबारा इंशाल्लाह चक्कर। अच्छा, मैंने वो बताया था इन्हें कि वो सोने के भाव हैं इधर, ये सोना मैं गिफ्ट कर रहा हूँ किसी को, तो वो ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, वो वर्थ इट है। अच्छा, पाकिस्तान से कोई बंदा आ रहा है तो सोना और मंगा। तो अगर मैं कहूँ कि क्रिप्टो ले ले और मैंगो दे दें, तो वर्थ करते हैं नहीं? मैं तो बोलूंगा सारे ले लें, क्रिप्टो ले लें, क्रिप्टो ले लें और मैंगो दे दें, बस मैंगो दे दें, क्रिप्टो सस्ते मैंगो महंगा। सही हो गया, सही हो गया। चले जी, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग यार। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, वैंकूवर आइएगा तो जरूर दोबारा। ओके।